मैं आप उसके भी मैं आपको गुजारिश, मैंने पहले आपको बताया है कि चीफ मिनिस्टर KPK इन्वॉल्व है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इन्वॉल्व है, इंक्वायरी हो रही है, पंजाब के स्पीकर इन्वॉल्व है, इंक्वायरी हो रही है, क्या मतलब आप कहते हैं कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया? लेकिन ना सराज दुरानी भी स्पीकर थे ना, तो क्यों गिरफ्तार कर लिया फिर आपने? उधर अलीम खान को भी तो किया फिर। मैंने आपको क्या आगे कहा है? जो नहीं मानेगा आपको लग रहा है कि अलीम खान की गिरफ्तारी जो है वो एक बैलेंसिंग एक्ट है। मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी बात कभी याद आए तो फिर लिख के रख छोड़े, याद आए तो फिर उसको दोहरा लीजिएगा। मैं आपको याद होगा कि मैं जब हुकूमत थी तो कई ऐसे मकाम आते थे जहाँ पे हुकूमत को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता था, फिर सच बोलना जरूरी है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं ज़मीर कहीं जागेगा, कहीं ना कहीं ज़मीर तो आपका होगा जो आपको मतलब मेरे ख्याल में किसी वक्त आके वो परेशान करेगा कि आपने क्या बोला। और मैं अक्सर और बेशतर दोस्तों से ये कहता हूँ कि बोलते वक्त अपने अल्फाज का जायज़ा ज़रूर ले लिया कीजिए। अभी आप वो कह रही थी ना, मैं महसूस हो रही हूँ वो ट्वीट से, कुछ जरूरी नहीं, मत कीजिए उनका जिक्र, दोनों का जिक्र ना कीजिए, ना वो बोलने से पहले सोचता ना वो बोलने से पहले ना करें। विफाकी वज़ीर इत्तला'आत है, अगर वो जवाब दे रहे नईमुल हक साहब का, मेरे अगर अल्फाज आपको याद हो, सोच रियाज फतेहाना साहब अगर उस दिन असेंबली में बैठे होते जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे मासूफ के लिए, मेरे ख्याल में उससे ज्यादा बेहतर अल्फाज कोई आज तक उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सका। हालांकि आपको पता मैं जरा थोड़ा धीमी लहजे में रहता हूँ, जरूरत नहीं है। अब आप उसी तरफ आ जाइए, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि किसी को एहतसाब पे इतराज नहीं है। मैं चोर हूँ, मेरी चोरी साबित कर दीजिए, लेकिन इसका शोर इतना मचाया जा रहा है, इतना शोर मचाया जा रहा है कि अब आपका सच भी झूठ नजर आता है। ओके ठीक है, ये असल ठीक है, असल जो ठीक है, आपने जो मिसालें दी हैं कि जी सीएम केपीके का है, स्पीकर साहब का है, एक आखिरी आपसे बोलूँ कि किसी को नैब के इख्तियारात पे, किसी के नैब के काम पे इतराज़ नहीं है, उनका जो अमल है वो गलत है, वो आपको फ्रस्ट्रेट करता है, एक बात। दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो मैंने नहीं बनाया, पुराना चला आ रहा है, विरसे में मिलता आ रहा है, वो असल में दोनों तीनों हुकूमतें ये बदलना चाह रही थी कि जो 90 दिन का आपका रिमांड है उसको ख़त्म किया जाए और उसको वही रेगुलराइज कर दिया जाए जो 14 दिन का रिमांड है। कत्ल का मतलब